भगवान से ही पूछा जाए कि आप ही बताइए कि आप कौन है, क्या है, कहाँ है, कैसे हैं, कितने हैं। अच्छा ठीक है, पूछते हैं। लेकिन एक झगड़ा आ गया बीच में। क्या झगड़ा? कुछ लोग कहते हैं कि ये वेद भगवान ने नहीं बनाया। क्या मतलब? मतलब ये वेद अपौरुषेय है, किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं है और इसके शब्द भी नित्य है। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पौरुषे है वेद और भगवान के बनाए हुए हैं और नित्य भी ऐसा नित्य नहीं है कि हमेशा से चला आ रहा है। फिर उसको पहले ऋषियों ने प्रकट किया, फिर ब्रह्मा ने प्रकट किया, फिर तमाम ऋषियों ने जिनका वेदों में वर्णन है उन लोगों ने प्रकट किया। तो जरा इसको भी सुलझाते चलते हैं यही 10 मिनट में। हमारे यहाँ मीमांसा दर्शन शास्त्र है, 6 शास्त्रों में से एक, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी रिसर्च है। जैमिनी आचार्य हैं जिन्होंने मीमांसा दर्शन शास्त्र लिखा और उनके उस शास्त्र पर सबर स्वामी ने भाष्य किया और उनके उस शास्त्र पर हुमायूं भट्ट ने भाष्य किया। बहुत डिटेल, बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ प्राप्त है हमारे देश में और उसमें सिद्ध किया गया है वेद को किसी ने नहीं बनाया, ईश्वर ने भी नहीं। और तर्क ऐसा दिया जैमिनी वगैरह ने कि देखिए जी, अगर आप कहते हैं कि वेद को ईश्वर ने बनाया और या कह लिया जाए कि ऋषियों ने बनाया, तो फिर ये जो वेद है इसमें जो शब्द रचना है, जो अर्थ रचना है, जो स्वर्गाधिक लोगों की बातें हैं, देवताओं की बातें हैं, ये सब ऋषियों को कैसे पता चला? क्योंकि ये सब चीजें तो ऋषियों की बुद्धि से परे की बात है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऋषियों ने वेद को बनाया, क्योंकि ऋषियों ने तो वेदों के द्वारा लाभ लिया, उनका प्रचार किया। वेद में बताई गई साधना तपस्या जब उन ऋषियों ने की, तब जाके जब उनकी स्पिरिचुअल पावर खूब बढ़ गई, तब उन्होंने अपनी शक्ति से देखा कि हाँ, ये स्वर्ग भी होता है, नर्क भी होता है, देवता लोग भी होते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है। और फिर तब उन्होंने परीक्षण कर करके लिखा क्या कि परीक्ष लोकान कर्मजितान ब्राह्मणों निर्वेद पाण्या नास्ति तकते न। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। हमने परीक्षण कर लिया है सब लोगों का, सब देवताओं का, लेकिन परीक्षण करने के लिए थ्योरी तो चाहिए। वो थ्योरी कहां से आएगी? तो इसलिए हम नहीं मान सकते कि वेद को ऋषियों ने बनाया। ये मीमांसा दर्शन के आचार्यों का कहना, और इसको काट रहे हैं न्याय शास्त्र वाले और वैशेषिक दर्शन वाले। न्याय शास्त्र और वैशेषिक दर्शन के आचार्य कपिल कणाद, गौतम कणाद, इन दोनों ने और इनके अनुयायियों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेद तो पौरुषे है और वेद ईश्वर द्वारा निकलते हैं। निश्वसित मत्स्य वेदा, ये ईश्वर की श्वास द्वारा निकलते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, ये भगवान की सहज श्वास से निकलते हैं। और ये जो कहते हैं मीमांसा दर्शन वाले कि जैसे सृष्टि सदा से चली आ रही है, जैसे भगवान सदा से चला आ रहा है, ऐसे ही वेद भी सदा से चला आ रहा है, ये गलत। क्योंकि सृष्टि सदा से चली आ रही है ऐसा मीमांसा दर्शन शास्त्र नहीं कहता। सृष्टि सदा से नहीं चली आ रही है, ये भी उसमें लिखा हुआ है, ना कद कदाचित ना दृश्यम जगत, संसार कभी नहीं था, ऐसा नहीं था, सदा से था, ये कहना गलत। हाँ, मैंने कल आपको बताया भी था, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते निजातानि जीवन्ति अत्रेन्द्रं विषं विशन्ति, तैत्रियोपनिषद की तीसरी बल्ली का पहला अनुवाद। तो सृष्टि भी होती है, प्रलय भी होता है, और जब प्रलय होता है, देखिए आज का वैज्ञानिक भी कहता है कि हमारा संसार धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो जब ये संसार समाप्त हो जाएगा, या कहो प्रलय हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके बाद जब पुनर्निर्माण होगा, फिर से सृष्टि बनेगी, तो ये वेद कहां से आएंगे? देखिए सेंस तो जो भी है वो ठीक है, सेंस का झगड़ा नहीं है, झगड़ा है शब्दों का। जो शब्द मैं बोल रहा हूं, यथा म एक ही मात्रा व, ये शब्द कहां से आएंगे? शब्द तो अनित्य होते हैं। मीमांसा दर्शन वालों ने कहा नहीं, शब्द नित्य होते हैं। शब्द नित्य कैसे होंगे? अच्छा देखिए, आप कोई भी चीज बोलिए, क बोला, कंठ से लग करके आ रहा है, प्रयत्न करना पड़ रहा है, मुंह खोलना पड़ रहा है, अपने आप थोड़ी निकल रहा है।
तो जो इतना बड़ा वेद है जिसमें लाखों अक्षर है उसको कोई तो बोलेगा, कोई तो प्रकट करेगा। तो फिर कौन बोला? ऋषि लोग बोले। अगर आप कहते हैं कि ऋषि लोग बोले तो फिर ईश्वर कृत वेद नहीं हुआ, विशुद्ध वेद नहीं हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्या पता संसार वाला कोई भी जीव अगर वेद लिखेगा तो गड़बड़ी की आशंका है। अच्छा देखिए और गहराई से समझिए, चार प्रकार की वाणी होती है, परा पश्यन्ति मध्यमा बैठी, ये चार प्रकार की वाणी हो गई। तो परा वाणी आत्मा तक लिमिटेड, पश्यन्ति वाणी में शब्द और अर्थ दोनों एक होते हैं लेकिन मन से कोई संबंध नहीं, मध्यमा वाणी में शब्द और अर्थ दोनों पृथक पृथक लेकिन मन से ही संबंध है, इंद्रियों से नहीं है। और बैकरी वाणी में दो प्रकार है, एक उपांशु जैसा लोग धीरे धीरे कान में बोलते हैं और एक उच्चरी जैसा मैं बोल रहा हूं। तो ये शास्त्र बैकरी वाणी में, पुराण बैकरी वाणी में, क ख ग सब बैकरी वाणी में। तो भगवान ने जो ऋषियों को वेद दिया होगा वो बैकरी वाणी में तो दे नहीं सकते, फिर कैसे दिया? अच्छा एक और बात समझिए, ये परा और पश्चंती वाणी में स्वतंत्रता नहीं है पुरुष को, और मध्यमा वाणी स्वतंत्र है, वैखरी तो वही है, हम सब आराम से बोल ही रहे हैं। तो भगवान ने उन ऋषियों को उस अनादि वेद का बोध पश्चंती और मध्यमा वाणी में कराया, और उस बोध को पा करके फिर जो ऋषियों ने वेद को प्रकट किया या लिखा या बोला वो वैखरी वाणी में किया। तो इस प्रकार से झगड़ा कुछ अधिक नहीं है, झगड़ा बस इतना सा है, एक पक्ष कहता है कि ये महाप्रलय के बाद फिर वेद प्रकट किए जाते हैं, फिर प्रलय होता है, फिर वेद प्रकट किए जाते हैं, और ये जो वेद है इनको भगवान ने बनाया। तो ठीक है, भगवान भी पुरुष है तो वेद पौरुष ही सही, और अगर कोई कहता है कि वेद अपौरुष है तो ठीक है उसकी बात भी सही है, लेकिन जो सेंस है वेदों का वो सही है, अतएव हम वेदों पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए फिर वेद में, वेद क्या कहता है।